बेबे बीमार है राजीव जी, मैं ना बेबे से मिलने जा रहा हूँ, वो अपने जवाई से मिलना चाहती है, आपसे और आपके परिवार से। तेरे पापा जी तो जिंदा है नहीं ना, अब मेरा भी क्या भरोसा, मैं कल को रहूं ना रहूं। देख पुत्र, मैं अपने हाथों से तेरा कन्यादान करना चाहती हूँ। मैं ये शादी थोड़ा ना कर सकता हूँ, आपको कुछ करना होगा दलजीत जी। हैं, वाओ ऋषभ भाई, यार गिफ्ट में आए कितने कूल स्टफ, इलेक्ट्रॉनिक जैसे मिल गया हो कोई टॉनिक। चंगा हुआ बैरी पुत्र, तूने बता दिया कि इन बच्चों की पसंद क्या है, वरना मुझे क्या पता चलता कि आजकल के नौजवानों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। खा। वे, देख, लगता है उनको ना पसंद आ रहा है। एमी नाम है इसका, प्रिंसेस ऑफ त्रिपुरा है, पंजाब आई है घूमने के लिए। ओए देख, मैं तेरे को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तू ना इस रिसोर्ट का मालिक है, तेरे को पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन आया है, कब आया है, क्यों आया है, है ना? बेबे, गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बैरी पुत्र। गुड मॉर्निंग बेबे, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ओए मेरी तबीयत नु छड़, तू दस तेरी तबीयत कैसी है? हाँ बेबे, कुछ जरूरी बात करनी है मैंने आपसे। ओ एक मिनट, ये बता कि आज मेरे में अलग क्या दिख रहा है, दस झुमके अलग है क्या आपके? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, आज ना मेरी अंगूठी अलग है। बेबे बात करनी है ना जरूरी। हाँ दस। यहाँ नहीं बेबे, आओ ना, तुसी आओ ना मेरे साथ, आओ। आ ठीक है ठीक है, बैठो बेबे। चल दस की गल है, बता। पुत्र क्या हुआ, सब ठीक है ना? बेबे मैं ना बहुत ही सैड हूँ बेबे। ना पुत्र, सैड वैड होने की ना कोई जरूरत नहीं है, मुझे बता क्या बात है, बता। नहीं बेबे, वही तो समझ नहीं पा रही हूँ ना कि कैसे बताऊँ आपको। कैसे बताऊँ क्या, अपने मुंह से बता। वही तो बेबे, वही तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ ना कि किस मुंह से बताऊँ। पुत्र जी, एक ही मुंह तो है ना तेरे पास, उस मुंह से बोल दे बस। नहीं बेबे, आप ना रहन दो, क्योंकि अगर मैंने बता दिया ना तो फिर आपका दिल टूट जाएगा। अरे पुत्र जी, मेरा दिल ना बहुत ही मजबूत है, छोटी मोटी बातों से नहीं टूटता। चल दस। बेबे कल ये है कि जो राजीव जी है ना, जैसा वो दिखते हैं वैसे वो है नहीं बेबे। मतलब कि राजीव जी एकदम भोले सीधे, सुशील शरीफ अच्छे ऐसे ही दिखते हैं ना। हा? नहीं वो अच्छे है पर थोड़े अलग भी है, उल्टे हैं राजीव जी। मतलब बेबे राजीव जी में ना कुछ हैबिट्स है, बैड हैबिट्स, जिनके बारे में शादी से पहले मुझे नहीं पता थे। मतलब बेबे ये जो बैड हैबिट्स है ना, बहुत ही बैड है बेबे, और अब जब मुझे पता चल गया ना इन बैड हैबिट्स के बारे में, तो आप ही बताओ बेबे। एक बार तो पहले मैंने कोर्ट मैरिज कर ली, लेकिन ये सब पता होने के बाद मैं दोबारा से ये रीति रिवाज वाली शादी कैसे कर लूँ, ये गलती मैं दोबारा से कैसे कर लूँ बेबे। एक मिनट, पहले ये बता कि हमारे जो जवाई पुत्र है ना, उनकी बैड हैबिट है क्या? मैं बता नहीं सकती बेबे, मैंने आपको सिद्ध दिखाती हूँ। मतलब तुसे चलो मेरे साथ, आओ। किथे चलो ना तो आओ, आओ, आओ। मतलब कि समझ नहीं आ रहा मेरे को है।
एक्सक्यूज मी सर, ये मैडम ने आपके लिए दिया है। मेन्यू उल्टा है, नेक्स्ट टाइम सीधा पकड़ना। आगे आगे बाट बत्ते। मैडम के कहने पे हम आपके साथ पत्ते जुए खेल रहे हैं, वरना मैम को पता चल जाएगा कि आप ओवर एक्टिंग कर रहे हो। हाँ ठीक है ना, मेरी 10 की चाल। देखा बेबे, यही बात तो मैं आपसे बोल रही थी कि राजीव जी जो है ना, वो पक्का एक नंबर के छुआरी है। क्या है ना बेबे, शादी से पहले ना मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पता थी जी, पर अब तो बहुत ही अफसोस है मुझे कि मैंने एक जुआरी से शादी कर ली। और आप तो जानते ही हो बेबे, जुए की लत एक बहुत ही बुरी आदत है। इंसान क्या क्या नहीं खो बैठता है जुए में, घर बार प्रॉपर्टी सब कुछ तो बेच देता है इंसान। और राजीव जी को तो ये आदत बचपन से ही है बेबे, उन्होंने भी बहुत कुछ खो दिया, बेच दिया बहुत सारी चीजें, अंकल जी के वॉचेस, की मम्मी के गहने, तनी और क्या कुछ बेच दिया है। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है बेबे, मतलब ऐसे इंसान के साथ मैं कैसे रह सकती हूँ बताओ आप। और आप बोल रहे हो कि मैं इनसे शादी कर लूं। हाँ जी बेबे, तुम्हारी पारी, मेरे तो क्या पत्ते आए हैं, मेरी 250 रुपए की चाल। यार ये बैरी तो डांस कर रहा था, व्हाट इज द मैटर? और ये ऐसे ऐसे पढ़ रहा था, किसका लेटर? यो एक लड़की ने लिख के दिया था, वही देख के एक्साइटेड हो गया। लड़की वैसे लंबे लंबे, सॉरी सॉरी नहीं मतलब यार, आजकल बैरी की तो निकल पड़ी है, महल मिल रहा, लड़की मिल रही है। वाह, इतनी भी नहीं निकल पड़ी, क्योंकि वो नोट उस लड़की ने नहीं, मैंने लिखा था, और दीदी ने उस वेटर को दिया बैरी को देने के लिए। माय बॉय Tell me what is the plan? देख, प्लान तो वही है, मेरे पापा की शादी का बैंड बजाने वाले ना ये लोग। ताऊ जी की शादी? बैंड तो बजेगा, मगर पैरी का, और बैंड बजाऊंगा मैं। राजीव जी, सुनो, मैं अपने पैसे ले रहा हूँ, हैं? जल्दी जी, ये सही नहीं हुआ। जी राजीव जी, मुझे नहीं, बिल्कुल सही हुआ जी। नहीं नहीं नहीं, मजबूरी में करना पड़ा, बस सही थोड़ना है ये। की बोल रहे हो तुसी राजीव जी, मतलब जो भी हो ना बिल्कुल करेक्ट हुआ जी, मतलब आप तो एकदम पक्का जुआरी लग रहे थे। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या बोल रही हैं? मैं कह रहा हूँ कि हमने आपकी मम्मी के साथ जो ये किया है ना, ये सही नहीं किया, दिल तोड़ दिया उनका। हाँ जी राजीव जी, ये गल भी बिल्कुल सही है, बेबे का तो दिल ही टूट गया होगा जी, पर हम भी क्या कर सकते राजीव जी, कि हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, यही करना था हमें, क्योंकि क्योंकि अगर बेबे के नजरों में मैं आपको जुआरी ना बनाती ना, तो फिर वो तो आपको और मुझे दुल्हा दुल्हन बना देती जी। फिर भी दलजी जी, ये सही नहीं है, वैसे भी जुआ खेलना पाप है, आपकी मम्मी की नजरों में मैं पापी बन गया, और उनका दिल भी तोड़ दिया हमने, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप एक काम करिए, आप जाके उन्हें मनाइए, कुछ और तरकीब सोचिए, है कोई और अतरंगी सी, प्लीज। ओके जी, जाती हूँ मैं।
बेचारा बैरी बना रहा है हवा में पूल, टूटने वाला है उसके सपनों का स्टूल, फिर गिरेगा वो धड़ाम। ऋषभ भाई तुझे है प्रणाम। यो हाँ यार वरुण, मुझसे भी ना वेट नहीं हो रहा है। बेचारा बैरी का फेस देखने लायक होगा जब उसे असलियत का पता चलेगा। भाई तू रेडी है ना? अरे रेडी, तेरा भाई एवर रेडी है। भाई आज तो ऐसी एक्टिंग करूंगा ना कि मेरा नाम वरुण बंसल की जगह वरुण बच्चन और तेरा नाम ऋषभ बंसल की जगह यार वो क्या है वो ये हाँ ऋषभ डी केप्रियो हो जाए। नहीं 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 ये सही नहीं है यार। यार वो बैरी की शक्ल देख के कहीं से भी लगता है कि यार भाई वो ये इतनी आलीशान अमेजिंग फैंटास्टिक ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है उसका मालिक होना डिजर्व करता है। देखा नहीं तूने सब कैसे उसकी खातिरदारी करते रहते यार। ही इज ना वेरी वेरी लकी, किंग की तरह लाइफ जीता है वो। अरे काहे का प्रिंस? अरे भाई प्रिंस तो वो होता है जिसके पास हो प्रिंसेस। तुझे पता है असली प्रिंस कौन है? मेरे ऋषु भाई असली प्रिंस तो हुआ तू। पूछ क्यों? क्यों और कैसे? बिकॉज आई नो प्रिंसेस एमी, उसको है तुझ में फुल इंटरेस्ट। यार बैरी का तो एफर्ट हो रहा है वेस्ट। यो नहीं नहीं तू कुछ भी कह ले यार, मैंने मैंने खुद देखा है कि वो कैसे प्रिंसेस एमी तेरे आगे पीछे लट्टू की तरह घूमती रहती है। हाँ लेकिन वरुण तुझे पता है बात ऐसी है कि वो ना मुझसे कुछ पर्सनल बात करना चाहती थी। ओहो अभी से ही ऋषु तेरे और एमी के बीच में पर्सनल बातें शाते हो रही है, क्या बात है प्रोग्रेस। अरे तू ना एक्चुअली मुझे गलत समझ रहा है। अरे वो ना मुझसे बैरी के बारे में बात कर रही थी। टीटू भैया, भैया लौंग हैं, इलायची क्या सौंफ ले आता हूं। तू एक काम कर, तू जाके पानी ले आ। लौंग इलायची सौंफ मैं क्या करूंगा इसका, अरे टेंशन में इतनी। भैया जब गैस हो जाती है ना तो ये खा लेना चाहिए, ठीक हो जाता। फिर किसे गैस हो जाती है भाई? आपको? मुझे? हाँ मुझे कोई गैस नहीं, मामला ठीक है बिल्कुल। यार जब आपको गैस होती है तब आप इधर से उधर और उधर से इधर जाते हो, इसीलिए कह रहा हूँ ले आता हूँ। नीटू इंसान की जिंदगी में ना और भी कई चीजें होती है जिसकी वजह से वो इधर से उधर से इधर जाता है, गैस ही नहीं है एक चीज रहेगी बस। मतलब क्या है बात का तेरी? तुम दोनों के बीच में कहां से आ गया बैरी? यो अब क्या बताओ वरुण, एक्चुअली शी लाइक्स बैरी। क्या शी लाइक्स बैरी? हाँ यार, अब पता है मुझसे बैरी के बारे में ही पूछे जा रही थी, और सबसे ज्यादा पता है क्या कह रही थी मुझे? क्या? उसे ना बैरी जैसा टॉल एंड हैंडसम लड़का कौन है? देख यार ऋषु, नो ऑफेंस टू एनीवन, बैरी से बेटर तो तू ही दिखता है। और यार मतलब सबसे तो मतलब घर में सबसे लंबा तू ही है ना, तो बैरी से भी लंबा तू ही है, तो फिर एमी को तुझे छोड़ के बैरी में कैसे इंटरेस्ट आ गया? भाई यही तो तुझे नहीं पता, उसे ना बैरी का शाई नेचर पसंद है और उसे बैरी जैसा कूल एंड काम लड़का ही पसंद है। वो मुझे कह रही थी कि जब वो डांस कर रही थी ना तब डांस करते वक्त बैरी ने उसे देखा, उसने भी बैरी को देखा, लेकिन उसने ये चीज नोट की कि बैरी ने उसे डांस के वक्त डिस्टर्ब नहीं किया। अब उसे बैरी की यही बात पसंद आ गई। नहीं फिर तूने उसे सच्चाई क्यों नहीं बताई कि सच्चाई ये है कि बैरी जैसा दिखता है वैसा है नहीं। बैरी कोई भाई कूल एंड काम नहीं है, वो तो एंग्री यंग मैन है। अपने दादू क्या बुलाते हैं उसे, वो क्रोध का ज्वालामुखी। इतनी समझदार होके तो ऐसी गलती कैसे कर सकती है? मतलब शादी करने से पहले एक बार पता तो कर लेती कि जिस इंसान से शादी करने जा रही है वो इंसान है कैसा, उसमें क्या क्या आदतें क्या बैड हैबिट्स, एक बार पता तो कर लेती। पर नहीं, शादी करके बैठ गई। मतलब इतनी इरिस्पॉन्सिबल तो कैसे हो सकती है दलजीत पुत्र? यही बोलोगे ना बेबे? हाँ यही बोलूंगी, और मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि जवाई पुत्र, शक्ल से पुजारी और हरकतों में जुआरी,
अब मैं की करा बेबे, अब गलती हो गई ना मुझसे, अब कर ली मैंने उनसे शादी, तब तो नहीं पता था ना इस सच के बारे में। पर जी बेबे, अब तो मुझे सच पता चल गया है ना, तो तुसी ही बताओ बेबे, ये सब कुछ जानते हुए मैं दोबारा से ये गलती कैसे कर लूँ? मतलब कोर्ट मैरिज तो एक बार मैंने कर ली, लेकिन अब जब मुझे सच पता है राजीव जी के बारे में, तो सब कुछ जानते हुए ये रीति रिवाज वाली शादी ये मैं कैसे कर लूँ बेबे? शादी होगी या नहीं होगी ये फैसला बाद में होगा, पहले ना तो जवाई पुत्र को फोन लगा, चल। हाँ जी बेबे, सॉरी बेबे, आपका दिल दुखा रही हूं मैं, लेकिन मैं क्या करूं, हमारी शादी का सच आप सुन नहीं पाएंगे बेबे, और झूठ मुझसे बोला नहीं जाएगा, इसीलिए सब कुछ करना पड़ रहा है मुझे। वो क्या हुआ, वो लगा ना उस पूजा मतलब जुआरी को फोन लगा। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हेलो जी राजीव जी, आप ना मेरी गल अच्छे से सुनिए, हर रात से ना पर्दा उठ चुका है राजीव जी, और आपका जो असली चेहरा है ना वो बेबे के सामने आ गया जी। क्या? हाँ, सच कह रही हैं क्या आप? हाँ जी, और बेबे जो है ना वो बहुत ही अपसेट है राजीव जी, बहुत ही नाराज है आपसे, बहुत गुस्से में है वो। एक मिनट, मेरे को फोन दे। हेलो जवाई पुत्र। आंटी जी। आंटी नहीं, बेबे बोलो, बेबे। हाँ जी बेबे, बेबे जी। जवाई पुत्र, मेरे को चाहिए उत्तर। उत्तर? अब प्रश्न तो बताना पड़ेगा पहले। उसी प्रश्न का जो मेरे दिल और दिमाग को परेशान कर रहा है। देखो जितनी जल्दी हो सके ना, जहां भी हो तुरंत मेरे कमरे में आ जाओ, बस। आ जाता हूँ जी, मैं अभी आता हूं। आन दो उसको, अभी बताती हूं मैं, जुआ खेलेगा। अब अगर एमी को बेरी पसंद है तो बेरी ही सही ना। वैसे पता है एमी खुद बहुत शाय है, और उसे ना ओल्ड फैशन रोमांस पसंद है। तुझे पता है वरुण, अगर मैं बेरी की जगह होता ना, हाँ, तो मैं एमी के लिए वो सब करता जो एमी को पसंद है। और स्पेशली एक और चीज, एक काम तो वो जरूरी करता जो बेरी को करनी चाहिए। अच्छा, कौन सा काम करना चाहिए बेरी को, जरा बताना रिशु। आ गया, आ गया, आ रहे। ओ आओ जी, आओ, आओ जी, आओ, स्वागत है तुम्हारा, आओ बैठो, 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 बैठो। तो क्या लोगे खाने में, पनीर वाला पराठा खाओगे या मखनी दाल खाओगे, बताओ बताओ क्या खाओगे आप? अरे शर्मा क्यों रहे हो पुत्र जी, दसो ना। नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो भूल गई थी यार, आप खाते थोड़ी हो, आप तो खेलते हो, और वो भी जुआ। ऐसे चौंक क्या रहे हो, हाँ चौंकने वाली बात नहीं है, मैंने अपनी आंखों से, इन दो आंखों से मैंने आपको जुआ खेलते हुए देखा था मेरे स्टाफ के साथ। ये सच है या नहीं कि आपको जुआ खेलने की आदत है, दसो। देख लिया था आपने, मैं तो हेलो जी, जब भी झूठ बोलना होता है ना हमेशा इनकी हिचकी ही निकल आती है। पानी दो दलजीत, पानी दो इनको जी। रुको रुको, आराम ना, आराम ना, पियो पियो। बस बस बस, शाबाश। देखो आपको ना साफ साफ बताना होगा पुत्र जी, आपको जुआ खेलने की आदत है या लत लग गई है। देखो अगर जुआ खेलने की आदत है तो अपने आप छुड़ा लो, हाँ, और अगर लत लग गई है ना तो मैं छुड़ा दूंगी। जुआ नहीं खेलना है, समझे आप? खेलूंगा मैं जुआ तो खेलूंगा, मतलब दिन में भी खेलूंगा, रात में भी खेलूंगा, सुबह में भी खेलूंगा, शाम में भी खेलूंगा, क्योंकि पत्ते अच्छे आते हैं मेरे। आर यू श्योर? पत्ते तो अच्छे आते हैं मेरे। ये हुई ना मखनी दाल में मक्खन वाली बात। मतबल? मतबल क्या, मतलब ये है कि खूब जमेगा रंग जब मिलकर खेलेंगे पत्ते बास, यानी कि मैं और आप।
दलजीत तू भी खेला हमारे साथ। हा? हाँ जी बेबे। अरे बेबे क्या, सुन पुत्र, अगर पुखे को घर के अंदर ही सरसों का साग और मक्की की रोटी मिल जाए तो बाहर बंदा करेले की सब्जी और सूखी रोटी क्यों खाएगा जी? अरे ऐसे क्या देख रहे हो जवाई बाबू जी, अब हम आपके साथ पत्ते खेलेंगे, फिर हमारे जवाई पुत्र जी को ना बाहर के लोगों के साथ पत्ते खेलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी। काज देखिए काज। क्या हो रहा है ये सब? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.